सो गाइस, सबसे पहले मैं पेड फॉर आर्टिकल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो नंबर वाई नंबर पहले क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने कुछ रिसेंटली वीडियोस अपलोड किए थे, उनमें बहुत सारे कमेंट्स, आपके डाउटफुल कमेंट्स ये आ रहे थे कि हमारे पेड व्यूज़ गायब हो रहे हैं और medium.com से जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसे ट्रैफिक कैसे लें, तो उसमें आप लोगों ने बोला था कि यहां से हमें ट्रैफिक नहीं मिल रहा, बट जो लोग समझ गए थे वो लोग अच्छा खासा ट्रैफिक ले रहे हैं आई होप, एंड मैंने बताया भी था कमेंट्स में। तो गाइस, मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आपको वर्क करना है, देखिए होता क्या है। ते मैक्सिमम लोग कि वहां से उठाया एंड यहां पे कॉपी पेस्ट मार दिया, यार ऐसे नहीं होता। आपको ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, ऑफलाइन पेज एसईओ एंड आपको लिंक जनरेट करनी पड़ेंगी एंड अपने आर्टिकल्स में बहुत सारी लिंक इधर उधर की डालनी पड़ेंगी, बल्कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इधर उधर से लोग ट्रैफिक रिडायरेक्ट होकर आपके आर्टिकल्स पे आए। गाइस, वहां पे हमें बहुत सारे लिंक्स इधर उधर से अटैच करना पड़ता है, बट आप लोगों का ये रहता है कि आप कहीं से भी बस, ये संजीव सर का एक वीडियो देखा था कि वहां से बस उठाया और डाल दिया कुछ भी करके। तो गाइस ऐसे नहीं चलता, मैंने काफी वेबसाइट्स पे वर्क किया है। गाइस मैं आपको दिखा दूं, ये जो वेबसाइट है ये मेरी है, मैंने इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए थे एंड लिखे भी थे। ये एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है, अगर आपको ऐसी वेबसाइट या इस यहां पे इस चैनल पे मैं आपको नंबर वाइज नंबर बहुत कुछ दिखाने वाला हूं गाइस। तो यहां पे ये सारे आर्टिकल्स मैंने ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छे से यहां पे सब कुछ लिखा है गाइस, तो इस वजह से गूगल में रैंक भी कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा खासा इससे रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो दोस्तों, मैं आपको बस यही सिखाने की कोशिश करता हूं, बट जो लोग इसको नहीं कर पाते वो सोचते हैं कि नहीं यार ये ऐसे नहीं हो रहा। सो गाइस, मैं देखिए सबसे पहले आपको यहां पे एक लाइन लिखी है ऊपर, ये वाली सबसे पहले ये वाली लाइन मैं आपको क्लियर करा दूं। आप लोग पढ़ ली होगी, बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आपको इस लाइन को पढ़ने से मैं आपको कुछ इसमें क्लियर करके दिखा दूं कि डिफरेंस बिटवीन हिट्स एंड पेड व्यूज। हिट्स आर काउंटेड व्हेन एनीवन जस्ट ओपन योर आर्टिकल लिंक एंड पेड व्यूज इन काउंटेड व्हेन समवन रीड एंड स्पेंड फ्यू टाइम टू रीड योर आर्टिकल बी पे ऑन द पेड व्यूज नॉट ऑन हिट्स। ठीक है, ये जो आपको कन्फर्म हुई, अब आप बोलोगे कि हाँ ये तो हमें कन्फर्म था, बट गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं। देखिए पेड व्यूज, अब अगर जो यूजर है उसने आपके आर्टिकल में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देखा, उसकी जो वो नॉलेज लेने आया था अगर उसने वो नहीं देखा तो वो आपके आर्टिकल को नहीं पढ़ेगा और तुरंत दूसरा हिट कर देगा, तो इस वजह से आपका जो आर्टिकल है वो काउंट नहीं होता। और अगर वो लीव कर देता है तो काफ़ी बार पेड व्यूज हमारे इधर उधर होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं गाइस, मैं आपको ये ट्रू बता रहा हूँ एकदम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने आर्टिकल्स में एक नॉलेजेबल थिंग डालो। गाइस ये वेबसाइट मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, बट आप लोग इधर उधर से कॉपी ना करके आप स्वयं अपना खुद का बढ़िया सा, बेशक आप 500-600 वर्ड दो दिन में लिखो, तीन दिन में लिखो, बट गाइस एक आर्टिकल ऐसा लिखो जो आपकी लाइफ टाइम तक अर्निंग अच्छे से दे। ठीक है, तो देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अब आज की इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे, मैं आपको क्योरा से कैसे आपको ट्रैफिक लेना है एंड दोस्तों जितने भी मैं यहाँ पे सोशल प्लेटफॉर्म्स आपको बता रहा हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं सब ये सोशल प्लेटफॉर्म्स गाइस यूज़ कर रहा हूँ और इन्हीं से ट्रैफिक लेता हूँ अपनी इस वेबसाइट में भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही दिखा चुका है आपको, इसमें भी मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक लेता हूँ। और गाइस अगर आप ब्लॉगिंग, अगर आपको मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको अच्छे से लिखना ही आ गया तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए गाइस। ब्लॉगिंग फ्री है एकदम, गूगल का टूल है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना के दूंगा, आप उस पर वर्क कीजिए गाइस। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए ये कुछ नॉलेजेबल थिंग थी गाइस जो आपके माइंड में चलती रहती तो वो क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया, बट चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं क्योरा से हम कैसे ट्रैफिक लेंगे। ठीक है, तो medium.com वाला पहले से ही आपने देख रखा होगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। तो ये वाला अब कैसे होगा, तो गाइस सबसे पहले आपको क्योरा टाइप कर लेना है एंड हमें सबसे पहले तो अपना जो प्रोफाइल है वो सेटअप करना है और प्रोफाइल में ही गाइस सब कुछ हमें करना है। देखिए जब यहाँ पे ये वाला इंटरफेस जब आपका आएगा, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन करने रखी हो क्योरा को तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिए होंगे, बट अगर नहीं किए हैं तो ये चीज़ें और अपने उसमें ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है
कि आप में से जितने भी लोग जिस भी कैटेगरी के आर्टिकल्स पेड फॉर आर्टिकल्स पे पब्लिश करते हो गाइस, इस चीज़ को समझना, जितने भी आर्टिकल्स आप पेड फॉर आर्टिकल्स पे जितनी जोन सी भी कैटेगरी से पब्लिश करते हो, आपको सिंपली वही कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। लाइक अगर आप हेल्थ से, फूड से एंड म्यूजिक, बुक्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, कुकिंग, आई मीन जो भी हो, जो भी आपका हो, तो गाइस ऐसे करके आपको सर्च करके एंड डन कर देना है। देन यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप रह जाएगा, थोड़ा प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेगा। देन ये आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन के आ जाएगा। अब गाइस यहाँ से होता है हमारा मेन वर्क शुरू। सो गाइस फर्स्टली आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है। गाइस मैं इसके बारे में समझा दूँ, इस पे होता क्या है। देखिए जिस भी कैटेगरी के अभी प्रीवियस हमने जो भी कैटेगरीज वहाँ पे सिलेक्ट की थी, उस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे ऑडियंस होगी आपकी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और हाईली सजेशन दूंगा गाइस, आपको क्या करना है कि इधर उधर का ज़्यादातर मत डालो पेड फॉर आर्टिकल्स पे, आप एक निश पकड़ो, उससे रिलेटेड डालो। उससे होगा क्या गाइस कि आप अपने दूसरे आर्टिकल्स की लिंक उस आर्टिकल्स में दे सकते हो। लाइक अगर आप सीरीज चला रहे हो कि हाउ टू ग्रो वेबसाइट, या एक पर्टिकुलर सीरीज कोई भी हो, कोई सा भी कीवर्ड पे काम कर रहे हो गाइस, तो उससे रिलेटेड आप सारी लिंक्स अपने पेड फॉर आर्टिकल्स में दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इस पर क्या होता है गाइस। इस पर देखिए ऐसा होता है कि जो भी आपकी जो कैटेगरी से रिलेटेड आपने जो भी सिलेक्ट की थी, उनसे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए सबसे पहले इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का, जैसे हमने जो भी वहाँ पे कुकिंग वगैरह जो सिलेक्ट किया था, तो यहाँ से कुकिंग से रिलेटेड, ये देखिए कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब जो भी भाई बहन या जो भी है वहाँ पे जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं, अगर कुकिंग से रिलेटेड उन्होंने कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, दैट मीन्स श्योर कि उन्हें कुकिंग से रिलेटेड ही नॉलेज होगी। तो आप अपनी जो वहाँ का आर्टिकल आपने जो भी लिखा हो, इसमें अभी हमने नया डैशबोर्ड बनाया है तो यहाँ पे क्वेश्चंस हमें इतने ही दिख रहे हैं, बट आप जब ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड कर लोगे या ज़्यादा आंसर्स दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। उनमें से आप किस चीज़ पे ज़्यादा मास्टर हो, किस चीज़ को आप अच्छे से जानते हो, तो उसके बारे में आपको सिंपली यहाँ पे आंसर देना है। लाइक अगर यहाँ पे देखिए हाउ डू आई ग्रो वेटर रूट्स, एंड देन सेकेंड है व्हाट शुड यू एब्सोल्युटली नॉट डू व्हाइल प्रिपेयरिंग इटालियन फूड। तो अगर कोई फूड से रिलेटेड बनाता है गाइस, ये मैंने ओनली डेमो दिखा रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ गाइस, इससे रिलेटेड जो फूड वाला है वो मैंने यहाँ पे मिल गया है क्वेश्चन, तो इस वजह से आपको टेक्नोलॉजी, न्यूज़, बिजनेस या जो भी है, कुछ भी है, वो आप सिलेक्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। जो लोग क्योरा यूज़ करते हैं तो उन्हें सब कुछ पता होगा, और जो फ्रेशर हैं उन्हें मैं फ्रेशर तरीके से, बिगिनर्स तरीके से बता रहा हूँ। सो गाइस अगर इसका आंसर देने के लिए सिंपली हमें इस पे आंसर पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे जो भी उन्होंने पूछा है तो यहाँ पे पूरा टाइप करके टेक्स्ट कुछ भी है गाइस, मैं ओनली आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ इससे रिलेटेड। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, इससे रिलेटेड आपको कोई नॉलेज है, लाइक ये यहाँ पे मैं अगर ये लिखता हूँ कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब, तो यूट्यूब की टिप्स थोड़ी बहुत मुझे आती हैं, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब के बारे में लिखे और मैंने जो भी वीडियो गाइस यूट्यूब की बना रखी है, लाइक जो भी हो, तो मैं उसका लिंक करूंगा कि यहां पे ये जैसे कि इतना मैंने यहां पे कॉपी किया, ये वाला कॉपी किया, एंड ये वाला लिंक वाला सेक्शन क्लिक करके यहाँ पे मैं अपनी लिंक डाल दूंगा। लाइक अगर मान के चलो ये वाली मेरी YouTube की लिंक है, आप समझ रहे हैं ना, ऐसी सेम टू सेम आपको करना है, यहाँ पे मैं लिंक वो पेस्ट कर दूंगा। अब गाइस होगा कि यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो ये वाली लिंक मेरी यहाँ पे मेंशन हो गई गाइस, ठीक है। अब क्या होगा कि और नीचे हम एक जो यूज़र होगा उसे जो हम आंसर दे रहे हैं, नीचे हम एक ये लाइन डाल सकते हैं कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लीज़ विजिट एंड क्लिक हेयर, ऐसे करके आप यूज़र को अपने पेड फॉर आर्टिकल्स पे लैंड करा सकते हो गाइस। ये बहुत अच्छा तरीका है, और जो हाईली प्रोफेशनल वाले जो लोग होते हैं वो यहीं से बहुत सारा ट्रैफिक लेते हैं, बिकॉज कोरा, medium.com एंड बहुत सारे ऐसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस, वो आपको अगर यहाँ से करते हो अच्छे से तो बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड आई एम श्योर आपके भी पेड व्यूज इंक्रीज होने लगेंगे गाइस। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इस पे वर्क करो गाइस, होता है ये चीज़, ठीक है, ये जेन्युइन है गाइस। तो मैंने आपको एक तो ये चीज़ बता दी, और गाइस अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी छोटे से छोटा भी कोई सा भी डाउट है गाइस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बताएं, एंड नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप अच्छे से प्रोफेशनली ब्लॉग लिखना जानते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बढ़िया सा अपना एक ब्लॉग बनाओ न्यूज़ का, किसी का भी, जिसमें भी आप अच्छे से कर सकते हो और गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेके उस पर ऐड चलाओ और बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट करो गाइज। बहुत सारे लोग अपनी इंडिया में ऐसे कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं गाइज। स्टूडेंट्स लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं गाइज। तो इस वीडियो में बस गाइज इतना ही, और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ यार हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं फर्स्ट में नहीं बोलता, बस आपकी किसी भी तरह हेल्प करना चाहता हूं गाइस, और वो मौका मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में, आपके ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद एंड बाय बाय।